गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे आई विल टीच यू इंग्लिश, योर इंग्लिश बुक्स लिटरेसी स्किल शीट्स. ओपन दिस पेज नंबर, ओपन दिस पेज नंबर 59. आज हम आपको पेज नंबर 59 में चैप्टर पढ़ाएंगे लेटर. फ्रीज द लेटर विद पेंसिल एंड से इट अलाउड. ये कैपिटल एच आर एन स्मॉल एच एच फॉर हैट. ट्रेस द राइट, यानी हम आप पहले इस कैपिटल एच को ट्रेस करेंगे, ट्रेस करेंगे उसके बाद यहाँ पर कैपिटल एच को लिखेंगे. एंड नेक्स्ट स्मॉल एच को ट्रेस करेंगे और यहाँ पर स्मॉल एच को लिखेंगे. और आप इसको ऐसे ही यहाँ पर लिखिए, कैपिटल एच और स्मॉल एच. नाउ नेक्स्ट, पेस्ट द स्टिकर्स ऑफ थिंग्स स्टार्टिंग विथ लेटर एच. आपको यहाँ पर एच से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को पेस्ट करना है. जैसे कि एच फॉर हैन, तो आप यहाँ पर हैन की पीछे से स्टिकर निकालिए और यहाँ पर पेस्ट कीजिए एच फॉर हैन. एंड एच फॉर हम्बर, यहाँ पीछे से स्टिकर्स निकाल कर हम्बर की फ़ोटो को पेस्ट कीजिए एच फॉर हॉर्स. सेकेंड पेज है, पेज नंबर 60. पेज नंबर 60 में है स्पेलिंग्स. रीड द गिवन वर्ड्स अलाउड. सबसे पहले लेटर है इसमें, जिस एच लेटर से बना हुआ स्पेलिंग है वो है वर्ड्स कैपिटल और स्मॉल का है हेलीकॉप्टर. एच ई एल आई सी ओ पी टी ई आर हेलीकॉप्टर. एच ई एन हैन. एच ए वाई है. एच ओ आर एस ई हॉर्स. एंड एच यू टी हट. सेकेंड पेज है, पेज नंबर 61. पेज नंबर 61 में है राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द फॉलोइंग इन कैपिटल इन ब्लू बॉक्सेस एंड इन स्मॉल इन पिंक बॉक्सेस. आपको यहाँ पर दो बॉक्सेस दिए गए हैं जिसमें एक ब्लू बॉक्स है और पिंक बॉक्स है. जिसमें ब्लू बॉक्स में आपको कैपिटल एच ट्रेस करना है और वर्ड्स को कंप्लीट करना है. जैसे एच हमने यहाँ पर ट्रेस किया और ये हो गया एच फॉर हैन, एच ई एन हैन. ऐसे ही स्मॉल को हमने यहाँ पर इस एच को ट्रेस किया और ये हो गया एच यू टी हट. ऐसे ही आप ब्लू बॉक्स में कैपिटल एच लिखिएगा और पिंक बॉक्सेस में स्मॉल एच लिखिएगा. नाउ सेकंड पेज है, पेज नंबर 62. पेज नंबर 62 में है आपकी एक एक्टिविटी जैसा चैप्टर है जिसको हम आपको ये समझा रहे हैं. जैसे कि सर्कल द थिंग्स दैट स्टार्ट विथ लेटर एच. आपको इन तीनों लेटर्स, तीनों वर्ड्स से में जो लेटर एच से स्टार्ट होगा उसमें आपको सर्कल करना है. जैसे कि ये है फ्लावर, फ्लावर, फ्रॉग एंड हैन. तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है बच्चों, एच से. तो जो ये एच से स्टार्ट हो रहा है तो इसको मुझे सर्कल करना है, यानी एच फार को हैन को पूरा सर्कल करना है ऐसे. जैसे एच फार है ये हनी, हनी, एलिफेंट एंड हम्बर. तो इसमें हमें दो को सर्कल करना है, ये हनी को भी सर्कल करना है और हम्बर को भी सर्कल करना है, क्योंकि यहाँ पर दो लेटर एच से मिले हुए हैं, दो एच लेटर से दो वर्ड मिले हैं जिसमें दोनों जो है स्पेलिंग्स कंप्लीट है, इसलिए हम एच को दो बार यहाँ पर सर्कल किए हैं. ऐसे ही आप आइए जी फॉर ग्रेप्स और यहाँ पर एच फॉर हॉर्स. ये है क्या, डी फॉर डक. तो डक और ग्रेप्स को तो सर्कल करना नहीं है, करना किसको है, एच फॉर हॉर्स को. तो हम एच फॉर हॉर्स को सर्कल कर रहे हैं. तो आप भी बच्चों अपनी बुक्स में ऐसे ही एच फॉर जो एच से स्टार्ट होते हैं वो वर्ड्स पे सर्कल कीजिएगा और सर्कल करने के बाद अपने ग्रुप पर सेंड कीजिए. यहाँ अपना नाम लिख दीजिए और नाम लिखने के बाद अपनी इस बुक के फोटो क्लिक करके ग्रुप पर सेंड कीजिएगा. ओके बच्चों, हैव अ नाइस डे. अब तक मैंने जो पढ़ाया है सारी स्पेलिंग्स को लर्न कीजिए. गुड डे, हैव अ नाइस डे.